हाय ऑल। सो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है आज, जो कि DGCA ने अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट किया है। तो जो लोग इंडिया से बाहर जाना या इंडिया में वापस आना चाहते हैं, उनके लिए फिर से टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आइए डिस्कस करते हैं उसके बारे में हमारे वीडियो में। सो ध्यान से देखिए इस वीडियो पूरा एंड तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे अपडेट मिलते रहे। तो अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया बैन्स इंटरनेशनल फ्लाइट टिल 31st of July। सो अभी तक ये बैन 15 जुलाई तक था, लेकिन अब इसको सस्पेंड कर दिया गया है 31st of July ड्यू टू कोविड, और ये बाय DGCA। तो ये न्यूज़ में अभी भी आज की न्यूज़ है। सो इंटरनेशनल फ्लाइट अब 31st जुलाई तक कॉमर्शियल फ्लाइट आप बुक नहीं कर सकते हैं, बट हाँ वंदे भारत मिशन और DGCA ने जो अप्रूव्ड फ्लाइट्स चार्टर फ्लाइट्स अलाउ की हैं तो हम उनको बुक कर सकते हैं। तो ये अभी की न्यूज़ है आज की ही, DGCA सस्पेंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स टिल जुलाई। तो चलिए देखते हैं कि DGCA का ट्वीट क्या है इसके बारे में, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये देखिए ऑर्डर की एक कॉपी है, इसमें जो ऑपरेशन एंड फ्लाइट स्पेशली अप्रूव्ड बाय DGCA। सो DGCA के अप्रूव जो फ्लाइट्स होंगी इंटरनेशनल, जैसे कि वंदे भारत मिशन और बाकी फ्लाइट जो कि DGCA खुद अप्रूव कर रहा है, तो उन पर नहीं लागू होता है, बाकी सारी कॉमर्शियल फ्लाइट पे लागू होता है। तो जो लोग अपनी फ्लाइट बुक करना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि इथियाट 15th of July, 16th of July से स्टार्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। हाउएवर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट मे बी अलाउड ऑन सेलेक्टेड रूट्स बाई कंपीटेंट अथॉरिटी ऑन द केस बेसिस। सो इंटरनेशनल फ्लाइट के शायद कुछ रूट्स ऐसे होंगे, आगे न्यूज़ ऐसे ही आ सकती है, जिसमें कि वो लोग केस बाई केस बेसिस पे कुछ फ्लाइट्स को अप्रूवल देंगे। तो हमको देखना पड़ेगा कि उनको DGCA के ट्विटर अकाउंट पे और जो भी न्यूज़ में बने रहना पड़ेगा, कि देखने के लिए कि गवर्नमेंट क्या चीज़ें अलाउ कर रही हैं किन किन रूट्स पे। तो ये है न्यूज़ अभी की तक की लेटेस्ट। सो जब भी आप कोई इंटरनेशनल फ्लाइट बुक कर रहे हों तो, या आपके ऑलरेडी बुक कर रखी हो, तो उसी अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस टाइम क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमारे इंडियंस बाहर फंसे हुए हैं या इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए जो भी अपडेट्स मुझे मिलती है मैं तुरंत अपडेट करता हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और एज वेल एज़ मैंने अपने इंडिया ट्रैवल का भी रिव्यू दिया हुआ है, मैं उस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग उसे देखें और उन लोगों को शेयर करें जो कि इंडिया ट्रैवल करने वाले हों, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। टिल देन स्टे सेफ, जय हिंद।